फाइनली बिरोही साहब के पास आ गए नसीम लंगर के बिरोही ऊपर। साहब के पास नहीं है, बिरोही साहब के साथ बिरोही है। साहब इस बिरोही साहब के साथ हाँ ऐसे ही ये ना। बोलो लेकर आए उसे। अबे मेरा भर यार, ये क्या कर रहा है तू? अल्लाह पाक का लाख शुक्र है, अफतारी की जो है ना दस्तरखान लग गया है, अफतारी की तैयारी हो गई, रोजे में सिर्फ 1 मिनट रह गया है। ये मोबाइल बिरोही साहब ले रहे हैं किस्तों पर, हाँ और लेकिन बिरो मैं देने के मूड में नहीं लग रहे हैं, इनका मामा उड़ ज्यादा लग रहा है हमारे को। लेकिन अमाउंट हम इनको बोलते हैं थोड़ा रेलवे प्राइस में आओ तो थोड़ा सा। समझ गया बाबा, समझ गया ठीक मेरे गरीब दोस्त, समझ गया। 2 घंटे के बाद खुलाना, क्योंकि जैसे बंदा रोजा खोलता है ना भाई यार, तुम्हारे को तो आपके लिए बोलेंगे, तुम तो जरी खड़ा, तुम्हारा तो रोजा ही नहीं भाई, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, हमारे को छोड़ने के लिए सोचा नहीं है। यो कचोरी दे, एकड़ो एकड़ो चिकन दे, एकड़ो आलू आरो दे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक इन अदर व्लॉग। फिर से आ गए रे बाबा। वो सवेरे उठाए और मैंने कही थी मोटू को कॉल और अजय भाई को कॉल, तो वो जो है ना दोनों आ गए, और 2-3 दिन गुजर गए फिर घर की सफाई नहीं हुई। तो मैंने कॉल की थी सुबह सुबह माइट को, तो देखते हैं वो आए हुए हुए या कोई और आया हुआ है। दरवाजे को अस्सलाम वालेकुम, सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देखने का बहुत मुझे इंतजार था। अस्सलाम वालेकुम, डबल डबल अस्सलाम। ठीक हो तभी? ठीक है ठीक है। अजय तुम बताओ, ठीक हो? तुम तो गांव नहीं जा रहे ना? नहीं मैं तो सूप भाई वाले तो कल तो आए थे, फिर क्यों जा रहे हैं दोबारा जल्दी में? यार तुम ओके तो लगे पड़े, क्या हुआ है तुझे? 3-4 दिन में नया नहीं हो, पानी है जो कुछ करना मेरे को कर। खुद को गोली मार दो ना, ऐसी जिंदगी से बेहतर है। बोल रहा है 3-4 दिन से ना आया नहीं हूँ, तो 3-4 दिन से मेरे पास भी नहीं आया था, ये अपनी जो है ना चक्करों में घूम शूम रहा था। तो अभी जो है ना इस रूम की जो है ना सफाई करवानी है, जो मैं को मंगवाया। वैसे भी रमजान है, घर में ही ज्यादातर भी लोग बनाते हैं, बाहर तो जाते नहीं। तो इस लाइट को जो है ना थोड़ा करते हैं ऑन। तो इसकी तार ये होता है हमारे घर का UPS पाकिस्तानी जुगाड़। मुझे इस जगह से करंट भी लगा है, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर हूँ ना, क्या करूँ। वगैरह भी सफाई वगैरह करानी है, रूम साफ वगैरह करवाना है। 10:29 यार, मैंने मैट रात फेरी की नहीं, ऐसे ही जो ना मैंने जो है ना रोजा रख लिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या ये तेरा ईमान है, ये तेरा ईमान। तूने रखी है? नहीं, उठे नींद से? मैं थोड़ी देर पहले उठा हूँ। कुछ खाया पिया है? पानी भी नहीं पिया? पानी पिया है। नहीं पीते ना, यही पर नियत करवाता फिर तुमसे नियत करवाता रोजे की, अभी के अभी जो है ना, अभी के अभी तुम्हें 12 बजे के बाद फिर रेस्ट क्यों करो? 12 बजे यही क्या है, मैंने से पूछा, बोला अभी नींद तो उठाओ, लेकिन पानी पिया। मैंने कहा अगर कुछ नहीं पिया होता ना। अबे भाई बात सुन, ये चाबी उठा दे मेरी, वहां पर ही पड़ी है, नजर आ रही है? नहीं, कौन सी? ये गाड़ी की चाबी है। ये बंदा 3-4 दिन से वो तो ना नहीं ना आया, तुझे क्या हुआ? तू भी मुझे लगता है वो तो, फिर भी मुझे लगता है कि हाथ मुंह वगैरह तो नहीं। मैं रात को आया था ना, आए थे? हाँ, गटर के पानी से ना आए थे क्या? ये क्या है? उधर पानी उसमें भरा टैंकी से। मुझे तो लगता है गटर के पानी से ना आए थे, शक्ल ही नहीं लग रही। रोजा वगैरह चल रहा है तुम्हारा? हाँ रोजा आया अभी, आज भी रोजा है? हाँ। क्या खाया था? 8 रोजा मच्छी मानी खाई थी। कारण यार सीन रात ये हुआ कि मैं तबीयत में तो ठीक नहीं थी, सर में भी दर्द था, सहरी नहीं की और अभी रोजा भी रख लिया। ऐसे आपको रोजा नहीं? रोजा रखा है, सहरी नहीं की लेकिन रोजा रखा तो है। क्या रोजा तो रखता हूँ। अलग बंदा है ना, अल्लाह पाक ने तुझे रोबोट की तरह बनाया है ना, तेरी बात ही अलग है। जो PTCL की तरह चलती है बंद, इसकी फोन जो है ना PTCL की तरह चलती है 24 घंटे। अजय भाई की जो है ना यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, सफाई वगैरह चल रही है, और यहाँ पर टेबल वगैरह जो है ना आपके भाई ये टेबल साफ हो रही है, इसके बाद जो है ना ये साफ होगी, उसके बाद जो है ना इसका थोबड़ा साफ होगा। तो तुम्हें लेकर सर्विस वाले के पास 200 रुपए का बोनस सर्फ लेकर वहां पर तुझे चल के वाश कर। रात ना आता है, तेल में बालों को लगाता हूँ इसलिए ऐसा है। मुझे तो लगता ही नहीं तुम ना आए हो, लगते हो सर्विस वाले पर तुम्हें ना आना पड़ेगा, सालों की हुई लगी हुई मेल उतार दे तुम्हारी। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। पूछू मुझे ही पता है खुद, सूप से क्या पूछू? आया खुद नहीं ना आया, वो खुद बोल रहा है मैं नहीं ना आया हूँ। सूप पानी नहीं है घर में। सूप भाई की जो है ना ये सामने कार्रवाई चल रही है। आपको भाई फाइनली अगर तुम्हें रोजा नहीं है तो मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, टेबल को जो है ना टेबल को जबान से चाटो।
ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, रोजा है यार, क्या हुआ मैडम? इसको रोजा नहीं है, इसको रोजा नहीं है, मोबाइल तो मैं दे रहा हूँ अपनी, इसको रोजा नहीं है, इसको बोलो ये डाल ले, भले छड़ा हुआ है वैसे भी कहा किसी काम का नहीं, ये मेरे सामने ही डाल ले जेब में से, पास आते कर क्यों डालेगा? रोजा नहीं है इसको, टेबल दोनों जबान जी चटवा बोलो, कहाँ पर? मस्जिद में? नहीं नहीं, बड़े रफी के पास गया था। हाँ रख कर आए? हाँ मच्छी खाई थी मैंने, खाना खाया था, कसम से। आलू की हालत क्या बनी हुई है? अरे यार सुन तो सही, किस्ता देता हूँ, किस्ता देता हूँ, अफतारी के टाइम जो है ना मस्जिद के बाहर किस्ता लेकर बैठो, 10-10 रुपए इकट्ठे करके 100 रुपए हो जाए ना, फिर वहाँ पर जो है ना ये बाल नाई के पास जाकर कटवा लेना। लेकिन एक सेकंड, पागल ने तुम्हें इतना हसीन बनाया, इतना तुम्हें बड़ा पेट दिया, इतना तुम्हें खाने वाला किया, तुम 100 बंदों की रोटी खा सकते हो, वो बंदे हो, तुम्हें अक्ल नहीं है, फिर भी ये बाल छाल क्यों नहीं बनवाते? ये देखो ना, ये वैसे साफ नहीं हो रही, इसको जो ना जबान से चाटोगे ना ये लेवल की हो जाएगी, दोनों आंखों की कसम। हाँ कसम बोल रहा हूँ यार, कसम से। ऐसे ऐसे हाथ रख कर बोलो ऐसे। अरे बाबा रोजा है, ऐसे ऐसे हाथ रख के कसम उठाओ ऐसे, किसी से पूछो यार, रख के हाथ रख के उठाओ ना कसम दोनों हाथों में, ये देखो रोजा है। कुछ पूछा? पूरी बात समझ गए ना? हाँ पूरी बात समझे या नहीं? समझ गया बाबा, समझ गया, मेरे गरीब दोस्त समझ गया। तो अभी जो है ना जा रहे हैं, हमें एक काम है MCB बैंक पर, क्योंकि बैंक का टाइम है 2 बजे, तो 2 बजे बैंक हो जाती है। इसराइल ने मेरी बाइक को छोड़ा है, अपनी बाइक लेकर चल रहा है, माइट की बाइक पर जा रहे हैं MCB बैंक। फाइनली जो है ना अभी बैंक पर आ गए हैं, तो माइट गार्ड को बोलने गया है कि हथियार जो निकलना है उसको निकालो। तो अभी जो है ना MCB बैंक पर थोड़ा काम था, माइट गार्ड को बोलने गया है कि हथियार वो निकालो, एक दोस्त है हमारा उसमें थोड़ा काम है, तो उससे मिलते हैं, देखते हैं। काफी दिनों से वो जो है ना चिंदी चोरियां कर रहा है, 420 कर रहा है, मिल नहीं रहा, तो रोजे की हालत में जो है ना आज आपका भाई निकल आया है, और अल्लाह करेगा ये भी निकलेगा, मिलेगा हमसे। कहाँ लेकर जा रहे हो चोरी करके मेरा हीटर? इसने दिया है। मैडम तुमने दिया है क्या? हाँ मैंने दिया। एक मिनट इसको छोड़ो, ये थैलियां उठाओ, ये साइड वाले ढेर पर फेंक कर आओ, फिर आ जाओ, डस्ट के इसका साथ उठाना, ये यहाँ पर फिर बदबू हो जाती है ना ज्यादा, इस वजह से। वो कोई चोरी शोरी तो नहीं कर रहे थे घर में? बंदा चोर नहीं है? मैं चोर नजर आती बेवड़े जैसी शक्ल लेकर चोरी नहीं की, तो फिर मैंने तुम्हें कहा कि इस रूम से भी झाड़ू लगाना, इससे भी, यहाँ पर झाड़ू लगा हुआ है और पूरा माहौल गंदा लगा पड़ा है, तो दूसरा कोई छानबीन कर रहा होगा, कोई चोरी शोरी कर रहा होगा। बाद में आता हूँ। ये दोस्त है बरोई साहब, जिसको गिद्दू वालों ने जवाब दे दिया है, और पकड़ा हुआ है ना, नहीं, ये हमारे ऑफिस को गिद्दू बनाकर बैठ गया है। मैडम भी ये एक दीवान है, उसके पास चलना, उसे धमकी दिए कि आओ नसीम नगर पर झगड़ा है, तो बिरोही साहब और तुम और मैं चलते हैं। मैंने उसको गाजे में उसका डब्बा था मोबाइल का, तकरीबन 6 मंथ गुजर चुके थे, उमर भाई की केरा पाया था, तो उसको मैंने जो अपना जो है ना एक मरतबा उसने हमें बुलाया कि अपना वादुआ पर 4,000 पे 5,000 पे रह रहे थे, वहाँ पर बुलाकर जहाँ वो काम करता है, वहाँ वो एक वजीर कास्ट के, वहाँ पर ओताक पर बिठा कर बोल रहा है कि अभी मुझे डब्बा दो पैसे दूँ मैं। मैंने उससे बोला तू डब्बा तो हम लेकर ही नहीं आया, तू डब्बे की बात थी तो हमें तू मंगाता ही नहीं अभी, तो वहाँ पर टोपी कराई। अभी उसको 8 मंथ हो गए, मैंने उसको डब्बा नहीं दिया, टोपियाँ मैंने पहनाया। अभी मैंने उसको फ़ोन उसने की, मैंने कहा कहाँ है तू, मेरा मोबाइल छीन गया है, 5 लाख भी इसके साथ छीने हैं, और बंदे को टांग में भी गोली लगी है, झाड़ू पोछे का काम करता है। कौन सी होटल पे? चल चल चल, सबसे पहले ये होगा, घबराना बांध कर बैठा ना, नहीं तो उतर कर भाग जाएगा मैटर। पहले भी एक दफा भाग गया था तू, अरे ना झगड़े पर रोड पर आ गए क्या, कोई यहाँ पर झगड़े का सुना पूरा, मेरी तबीयत सही नहीं है। तबियत वैसे तुम्हारी सही है, धक्के खाने के लिए यहाँ पर आते हो उसके लिए तबियत सही है, बाकी हम कोई काम बोले तो तबियत सही के लिए भी सही है। चलो हम जानेंगे, चलो अभी उससे लड़ेंगे थोड़े ही, उससे बोलेंगे रिश्ता कोई है तो बुरे साहब को दे दो। नहीं नहीं, बंदा है उससे थोड़ा धमकियां शमकियां हुई है मोबाइल पर, तो जा रहे हैं माइट और बिरोही साहब और मैं, और दोनों भाई को मेरे चले एक पर लेना, तू मुना शपाटर पे बैठ, इसराइल की ये फेवरेट है ना, इस वजह से तो इस पर ही जचता है। इस रास्ते से पत्थर है बहुत, उस रास्ते से जाएंगे ऊपर से, क्या रहना डंडे वंडे खाने के लिए।
चलो गुरु साहब को पहली मर्तबा जो है ना लेकर जा रहे हैं लड़ाई और हाँ लड़ाई में झगड़े पर वो होगा नहीं लेकिन अगर मैटर मैं बोल तो रहा हूँ वो होगा नहीं अगर वो हुआ तो डंडों के साथ तो ऐसे करो बिरोही साहब को बीच में बिठाओ घर देख के उतर ना जाए ऐसे उतरेगा तो इसके काम हम में ये मोबाइल का तो एक बहन है वैसे भी हमारा जीता शीदार करने आता है ऊपर आशिक हो गया ये सुभान अल्लाह ऐसे ही ना बत्ती तो बंद कर फाइनली बिरोही साहब के पास आ गए नसीम नंगर बिरोही साहब के पास नहीं है बिरोही साहब के ये बोलो लेकर आए उसे भाई अब ये ईंटों के नजदीक इस वजह से गाड़ी खड़ाई है अगर लड़ाई हो तो मारने में काफी हो बसा नहीं हो अगर लड़ाई हो जाए तो ये ईंटें उठाकर और उनके साथ झगड़ा करे उन्होंने कहा कि नसीम नगर चौक पर पंप पर आना तो ये सामने जो है ना तो है। पेट्रोल पंप है इधर तो आए खाने वाले बराबर में जाकर रोके ना एक दूसरे को मारे टूट जाए खाए भी अबे क्या हो गया रोजा है ये ईंट मारो एक ये रोजा नहीं रखता अभी जो है ना यहाँ पर खड़े पंप पर उसका वेट कर रहे हैं उसने कहा कि पेट्रोल पंप पर आना तो देखते हैं वो पेट्रोल पंप पर आता है या नहीं नसीम नगर पेट्रोल पंप पर खड़े और उसे काले भी किए जिससे अभी फोन पर बात हुई और थोड़ी झगड़ा भी हुआ उसने कहा कि नसीम नगर चौक पर आना तो अभी यहाँ पर खड़े हैं अरे सही दी लगी तो मुहारी खड़े में दे रहे पैसा मार के मार देंगे मुन्ना शपाटे बाबा दादा दे आओ क्या क्या मुन्ना शपाटा ले लो दादा ने आओ 3000 किससे बाकी पे कहीं ना पाना को कला हल पे ना इन्हें पहले इस झगड़े को देखिए क्या होता है पहले झगड़े को अबे क्या होता है कभी कभी माती कुकड़ भी आजान दे देती है शेख शेख झाड़ू पटियारा अभी एक मरतबा यहाँ पर एक झगड़ा हुआ था 10 दिन पहले रोजे में हूँ रोजे की कसम खाकर बोलता हूँ यहाँ पर सामने झगड़ा हुआ था आस्था बोलो चाचा बात सुन मेरी बात सुन यहाँ पर सामने झगड़ा हुआ था रात को 3 बजे उन्होंने मेरे कजन को थोड़ा पिलाई शिलाई और उससे लड़े भी तो हम 2-3 आए वो एक था उसको हमने इतना कुटा इतना उसको मारा इतना मारा कोई छुड़ाने वाला भी नहीं था और हमने सोचा कि कुछ नहीं करेगा 2 दिन के बाद वो 15 बंदे लेकर घूम रहा था हमें ढूंढ रहा था लेकिन हम नहीं मिले नहीं नहीं ना हम मिले ना फिर हम जब उससे मिले तो उसके साथ बंदे ही नहीं थे तो कभी भी कभी कभी भी किसी दुश्मन को कमजोर मत समझना लग जिए पियो ना सा भी जिए पियो वाला जिए सा सिर खणे जो विणो तो सही हां ये बस ठीक है मैं तो ये पक्का इसका झगड़े करने का प्रोग्राम हमारा पक्का मूड है ना यार हमारा मोबाइल चल चल एक मिनट उसको नंबर लगाता हूं 1 मिनट ये है तो हमारा अभी ये मैं तो काले कर रहा है किसी को काल उठा जा मसरूफ जा रहा है किसी को काले कर रहा है लगता है बंदे मंगा रहा है बंदे मंगा रहा है ये इधर हमारे हमारे पास है ना अपना बारून सूप स्ट्रॉबेरी अब वो आए तो सही आपस में इतनी डीलिंगे शीलिंगे कर रहे हो पहले वो तो आए वो पकड़ो वो मत मनाई फिर नंबर लगाते हैं उसको अभी जो है ना उसने मेरे नंबर से कॉल नहीं उठा रहा मसरूफ जा रही है शायद ब्लैक लिस्ट में ना मार दिया हो ब्लॉकर हो जैसा ठुक तो बुजड़े ब्लॉकर गए तो अभी जो है ना माइट की नंबर पर उसका नंबर डायल कर रहे हैं अगर आए ना उसको घर तो साबित नहीं भेजना रखा हुआ सिर रखा हुआ हमारे किस लिए काम का है सिर इतना उसको साबित घर नहीं भेजना हमें मारना है सही है तेरे नंबर पर इसके नंबर से कॉल मिला जा रही है हाँ उसने मेरा ब्लैक लिस्ट में मार दिया हाँ यही है नाम लिखा हुआ आ रहा है यही है देख क्या किताब देख तो नसीम नगर पर खड़े हैं अबे अल्लाह अल्लाह कर तू एक गिनते तेरे माला कसम दे देख तेरे को दोस्त बनाया ना आज आज तेरे को पहली मर्तबा बाहर लेने आया हूं ना घूमने ये अदाकारियां मत कर तू लेकर आज एक रोदे में जाने खड़े लेकिन बंदा काल भी नहीं उठा रहा और अभी तक आया भी नहीं इस पेट्रोल पंप का एड्रेस दिया था अबे बिरोही साहब मेरे चैनल का नाम बताऊं राजा आसिफ ऑफिशियल क्या ऑफिशियल बस सर्च कर सर्च करोगे ना यूट्यूब पर सर्च करेंगे अब बात तो सुन सर्च करेगा ना यूट्यूब पर राजा आसिफ ऑफिशियल आ जाएगा इंशाल्लाह और सब्सक्राइब भी कर देना फॉलो भी करेगा अभी तुम्हें दे रहे हैं ना इस मोटू वाली मोबाइल नहीं उठा रहा ना कब नहीं आएगा बस चलो वो नहीं आएगा अभी जो है ना रोजे में भी है और शाम तरे तो अच्छा है क्योंकि रोजे के बाद जो है ना देखेंगे
अभी एक डंडा लगेगा ना, बेहोश हो जाएंगे। बात ये के बाद भी एक दो घंटे के बाद बुलाना, जितने बंदा रोजा खोलता है ना भाई यार, तुम्हारे तो आपके लिए बोलेंगे, तुम तो सर खड़ा, तुम्हारा तो रोजा ही भाई, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप उसको भले बुलाओ, नहीं मैं तीन बंदे और मंगा लूंगा। ये बंदा नहीं, एस टी पी हाउस का बंदा है, तुम इसे मामूली समझ रहे हो क्या? माइट तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानता शायद। नहीं नहीं, नहीं ये मुन्ना शपाटा नहीं जानता। अभी जो है ना बस निकल रहे घर आने शुरू होने वाला है, और यहाँ पर बिरोही साहब जो है ना मोटू साहब से मोबाइल ले रहे हैं। ये मेरी मुन्ना शपाटा है। हाँ ये मुन्ना शपाटा, ये मोबाइल बिरोही साहब ले रहे हैं किस्तों पर। और मैं देने के मूड में नहीं लग रहे हैं, इनका मामा और दादा लग रहा है हमारे को, लेकिन हम इनको बोलते हैं थोड़ा रेलवे प्राइस में आओ तो थोड़ा हम भी बने और तुम भी बनो। बोले जो तुम्हें समझ में कितने को आ रही है ये बता। तीस में समझ में आ रहा है, अगर बोलता है तो हम अभी सौदा करता नहीं। तीस में समझ में आ रहा है, उसके सैंडलों की कहीं भी उतरी हुई है, लगाई वो हमारे पाँव में नहीं आएगा, हमारा पाँव का नाप थोड़ा बड़ा है, कहीं भी उतरी हुई है, फर्क नहीं पड़ेगा। हम तेरे को पहनने को नहीं बोल रहे हैं, मारने के लिए बोल रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता भाई, हमारी खाल थोड़ी मजबूत है, बरोज बचा है ना वो रेडी का, हमको ये फर्क नहीं पड़ता, हम इतने मोटे मोटे चमड़े से हमने अपने बाप के मोच खाए। यहाँ पर ये जो डिस्कस चल रही है ना, ये मोबाइल के सौदे की डिस्कस है, ये माइट वाला मोबाइल, इस मोटू का मोबाइल, ये साइको पेशेंट बिरोही साहब लेना चाह रहे हैं। बाबा रुपया वठो पंटरी है यदि खा समझ में जदे ठीक है ना, तो टेबल तेरा कूठो दानो छले जो घर दे सिम कर दे दे फ्री दे सिम करना वठी जो गाल बोल की थी ना बाबा जब बिरोही साहब बोले ना तो आप अपनी बक बक बंद कर, एक बंदा जब बिरोही साहब जब ये बोले ना तो तू अपनी बक बक बंद कर। समझ में तो आया था बात हो क्या रही है, अभी आपने बोला कि भाई की बात नहीं, तो जो हमारा व्लॉग देखेगा ना दोनों हाथों से पूछे देगा, यूं यूं ये वाला बोलेगा ये लो थूक बोले तुम्हारे लिए। बिरोही साहब ये बात ये है कि अपना महीने पे आप कितनी किस्त दोगे भाई? हम 3,000 देगा। 3,000 एडवांस कितनी दे लो? हम तुम जितना बोलेगा एडवांस देगा, लेकिन हमारे पास तुम्हारी यार मैं थक गया हूँ बहुत, इनका सौदा हो जाना फिर फाइनली आपको बताऊंगा, अभी इनकी डीलिंग जो ना चल रही है। तो भाई फाइनली जो है ना सौदा इनका बन गया है, ये मोबाइल जो माइट वाली है ना, ये इसको जो है ना इसको दे दिए बिरोही साहब को फाइनली 40,000 रुपये में, 5,000 एडवांस और 4,000 माना किस्त, और इसका मालिक जो है ना ये है। 40,000 लेने में 5,000 एडवांस दे रहे हैं, 3,000 वो तो अलग, ये बात वो 1,000 रुपया तुम्हें भीख का देगा ना, वो अलग बात। बताओ मोबाइल कितने में उठाई है, कितने में ली है? अब 5,000 एडवांस देखा है हमने, दिया है भाई को, जिसमें 3,000 अभी दे रहा है, बाकी हम 2,000 इसको रोजे के बाद देगा, वो 1,000 का सब हमारा अल्लाह की दूसरा चीज करे, और बाकी हमारा मोबाइल 4,000 माना किस्त में बनाया होते हैं, 40,000 रुपए महीने फोन बनाया कितने, ठीक है भाई ठीक है, हम इसी जिंदगी से डूब कर मर जाओ बेहतर है। हम दीवान नहीं है जो फोन नसीम नगर पे बुला के हम कुत्ते की तरह अपना नंबर ही ब्लैकलिस्ट पे डाल दिया। बड़े और मोबाइल का असली मालिक ये है, लेकिन जब बिरोही साहब को देगा ये मोबाइल तो उसका असली मालिक बिरोही साहब बन जाएगा। और मैं नहीं, मैं इस बीच में खुआर क्यों हुआ ऐसे? तो आप दलील इसलिए हुए तो क्या आप विलो करें क्या जलील होते हैं क्या? ब्लॉगर जलील है ना भाई, देखो हम दोनों बात करें तुम्हारा तो काम ही नहीं बीच में बोलने का, क्योंकि सौदा हमारा बना है। कौन सी बात कर रहा है यार, अजीब बंदा है। मुन्ना शपाटर का विवाह निकला है जो है ना, मुन्ना शपाटर भी तैयार है, माइट भी तैयार है, तो अभी जो है ना जा रहे हैं सामान लेने, अफ्तारी का निकल रहे हैं बस, और अफ्तारी में जो है ना आज ज्यादा सामान लेना पड़ेगा, वो इस वजह से क्योंकि बगैर रोजे वाला बंदा जब अफ्तारी करता है ना तो वो ज्यादा खाता है, और बगैर रोजे वाला बंदा जो है ना हमारा ये रोजा रखा है। हाँ रोजे शक्ल जी लग रहा है तुम्हें रोजा पर और इस भाई साहब को जो ना भी है तो इस वजह से जो ना जल्दी लौट कर आना है, और बाहर का व्यू देखे, मौसम देखे, शहरी और अफ्तारी के टाइम मौसम जो है ना अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद जो है ना खूबसूरत हो जाता है। कचोरी दे एकड़ो, चिकन दे
एकड़ो आलू आरो दे सामान जो ना अफ्तारी का थोड़ा ज्यादा ले लिया है और जो ना समोसे वगैरह ले रहे हैं और मैक भी जो है ना अफ्तारी आज इकट्ठे करेगा हमारे एकड़ो है एकड़ो है दे तो भाई साहब ये आ गए आपके भाई के समोसे फ्रूट और ये आ गया आपके भाई का मोटू। तो अभी जो है ना कासमाबाद अली सीएनजी जहाँ पर है ना वहाँ पर चलियो कासमाबाद अली सीएनजी पर सामने जूस वाला है उस जूस वाले के पास चलियो। बस सब सामान ले लिया है समोसे फ्रूट वगैरह सब सामान ले लिया है। अब यहाँ पर क्या क्या ले रहे हैं? ये जूस जूस तो यहाँ पर है ना बस जूस रह गया है जूस लेकर पार्सल जो है ना फिर निकलते हैं। एप्पल का एक जूस पार्सल घर वालों ने कहा लेकर आना तो इस वजह से जो ना एप्पल का जूस चाचा साई को बोला है तो ये पार्सल कराकर बाकी सब सामान आ गया। ये जूस ले लिया था ये जूस लेकर जल्दी में जाएंगे घर और शहरी में जो ना टाइम सिर्फ 15 मिनट बचे हैं शहरी में टाइम भी 10-15 मिनट बचे हैं। यार तुम्हें भी तो रोजे ने पकड़ा होगा आज हाँ यार शर्म नहीं दिलाओ एक भी रोजा नहीं रखा ऐसा क्यों ना अल्लाह अल्लाह करो तीन रखे तीन रखे कल तो बस जूस यहाँ पर बन रहा है जल्दी में जैसे ही बनकर पार्सल होगा तो जाएंगे अफ्तारी का सामान दस्तरखान लगा कर और अफ्तारी करेंगे फिर नमाज पढ़ेंगे फिर जाएंगे जंग पर। कहाँ पर? कोटड़ी ब्रांच। कोटड़ी ब्रांच फाइनली ये जूस भी बन गया और अभी जो है ना बस बैठते हैं निकलते हैं मुन्ना शपाटर पर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी की तैयारी हो गई है और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक ने जो है ना अभी मेरा भर यार ये क्या कर रहा है तू करे अफ्तारी की जो है ना दस्तरखान लग गया है अफ्तारी की तैयारी हो गई रोजे में सिर्फ एक मिनट रह गया है और मैं आपको आज आइटम दिखाता हूँ अफ्तारी में क्या क्या है। नारगी चीकू स्ट्रॉबेरी एप्पल समोसे पानी और यहाँ पर ये थोड़ी चटनी तो अफ्तारी में और जो ना अनमोल हमारी चीज़ मोटू गोलू मोलू जिसने सब रोजे रखे एक रोज़ा भी नहीं छोड़ा एक भी नहीं मिस किया। शर्म आती नहीं है वो आती है सवा 12 बजे चली तुम्हारे लोगों को शर्म आती है नहीं आती तेरे तो पास की भी नहीं गुजरती तो अभी जो है ना बस आजान आने वाली है रोजे में एक मिनट रह गया है तो अफ्तारी करते हैं। अफ्तारी के बाद जो है ना काफ़ी सारे काम है वो भी देखेंगे। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब कर ले हाँ अफ्तारी के वक्त जो दुआ आप मांगेंगे वो आपकी कबूल होगी। अच्छा एक चीज़ भूल गया मैं तो एक चीज़ लेना मैं भूल गया हाँ आजान है जो है ना शायद दूसरी दूर दूर वाली मस्जिदों में आ रहे हैं नज़दीक वाली मस्जिद में अभी तक आजान नहीं आई तो ये चीज़ मैं जो है ना भूल गया था ये था जूस। आज जो है ना ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा था तबीयत जो है ना सर में भी ऐसे लग रहा था कि दर्द है तो चक्कर भी आ रहे थे चक्कर भी आ रहे थे इस वजह से जो है ना आपके भाई ने थोड़ा जो है ना जूस भी बनवा लिया तो कत्ल को करते हैं यहाँ पर। बाकी जो है ना टेबल में सब चीज़ जो है ना ताज़ा है तो जो अभी जो है ना बस मौलवी साहब आजान देने वाला है फिर दुआएं मांगेंगे आप सबके लिए आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है वो ये सुनिए आ गई आजान आ गई। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतु तो अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ़्तरतु या अल्लाह तो हम मुसलमानों के सभी रोज़े अपनी दरबार पर कबूल फरमाना और आगे भी रोज़े रखने की जो है ना हमें तौफीक अता करना। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रोज़ा इफ्तार करते हैं। सबसे पहले आओ तुम भी बिस्मिल्लाह करो मैं खाता हूँ आप तो खाओ आजान के वक्त इफ्तार करो यार आजान के वक्त वो ठीक नहीं थी तो ये सही है ना बिस्मिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गिर रहा हूँ अफ्तारी के बाद मुकम्मल खत्म कर दिया आपके भाई ने और खत्म करने के साथ दिलाया रघु भाई ने रोजे रखने वाला कम खाया जिसको रोजा नहीं था उसने सब कुछ खाया। सफाइयां दफाइयां हो रही है और अफ्तारी आपके भाई ने फाइनली कर लिए फाइनली फुल फ्लेज ओके गुड हो गया। अभी बस बाहर जाकर चिंती चोरी करके चाय थोड़ी पीनी है और दो मेडिसिन खानी है और उसके बाद जो है ना इस बुद्धू को मोबाइल वोबाइल दिलानी है। अभी ये सोच रहा है कौन सा मोबाइल लेना चाहिए यार मेरी चोरी तो पकड़ी गई एक बात में यार अभी कौन सी चोरी तुझे तेरी पकड़ी गई इसमें मैं वो तो ना तुम्हारा मोबाइल चोरी हो गया है ना हाँ इसका मोबाइल कल जो ना ये कल नहीं बल्कि आज होटल पर टेबल पर रखा और नस्वार लेने गया वापसी में आया मोबाइल तो बढ़ गया। अरे झूठ बोल रहा है पानी आज ज्यादा नहीं पिया जैसे कि जूस लेकर आया था थोड़ा
अपना एप्पल का तो वो पी लिया। अब मोबाइल की वारदात कैसे हुई बताओ? वो ऐसे हुई, मैंने बात की बंदे थे, मुझे तो मजाक लग रहा है, सीरियस तो होकर बता नहीं रहे। सही बता रहा हूँ ना, हंसी आ रही है ना अपने आप पे यार। बात ये है, ऐसे बैठे थे होटल पे, होटल तो वैसे बंद ही, बंदे का इंतजार में थे। बंदे ने कॉल की, भाई आ जाओ, मैंने जेठ निकाले। हाँ कहाँ हो? हाँ इधर जाए, टोंक पे आओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल मैंने इधर रखी। जैसे बंदे को तुमने देखा, तू उसके आगे गया, मैं तेरे पीछे आया। आप वापसी आया, जेब में हाथ डाला, मोबाइल है ही नहीं। आया टेबल पे, टेबल वाले को बोला, भाई मोबाइल कहाँ गई? तो उसने बोला, भाई मोबाइल कौन थी, मोबाइल पागल हो गया क्या, बावले हो गया? हाँ नहीं इधर मोबाइल, जूते आने पर हमने तुम्हारे को फोन दिया, मना देखे रमजान में आके होटल में बैठ जाओ, तो निकलो तो जूते न मारो। सही बता, ऐसे ही बोला उसको, मैंने बोला रोजे के बाद तेरे को मिलेंगे। तो यार तो इसके साथ बड़ी बात आ, तो अभी निकल, अब चल चल, चल 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 निकल।